मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ अब उनके ही गृह क्षेत्र ग्वालियर में माहौल बनता जा रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में ग्वालियर के ग्रामीण विधानसभा के लोगों ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि बीते 2 महीने से उनके गांव में लाइट नहीं है, बिजली विभाग ने उनके गांव की लाइट काट दी है, जिसको लेकर वह लगातार मंत्री और बिजली विभाग के अफसरों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके गांव की लाइट अभी तक चालू नहीं की गई है, जिससे दुखी होकर वह मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के रेड क्रॉस रोड पर मौजूद बंगले का घेराव कर दिया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पदमपुर खेरिया गांव में जो डीपी रखी हुई है वह खराब हो गई है, साथ ही गांव के लोगों पर बिजली का बिल बकाया है, इसलिए बिजली काटी गई है। अगर ग्रामीण जितना बिल की राशि है उसका 10% भी जमा कर देंगे तो लाइट चालू कर दी जाएगी। आप मुझे बताएं मंत्री जी, या केंद्र भारत सरकार, या सुनील खरे, या आदेश चोपड़ा, या गगन देव शर्मा जी, खेरिया पदमपुर के हैं और यहाँ पे ट्रांसफार्मर फेल है और उस पर लगभग 3.5 लाख रुपए बकाया है। 10% की राशि इनके द्वारा नहीं जमा किया गया। 3 दिन पहले हम कैंप भी वहाँ लगाए थे, भेजे थे स्टाफ को, लेकिन जमा नहीं किया गया। 10% राशि जमा कर देंगे, ट्रांसफार्मर हम तत्काल बदल देंगे। अभी आपने जो समस्या सुनी है, किस तरह का इनको समस्या का समाधान किस तरह करेंगे आप बताएंगे द्वारा? 10% राशि इनके द्वारा जमा कर दी जाएगी, समस्या का समाधान ट्रांसफार्मर बदल करके समस्या का समाधान कर दी जाएगी। और बिना लाइट के मेरे गांव के बच्चे एवं बड़े बूढ़े परेशान हैं। आज देखना आप देख रहे हैं कि यहां पर डेंगू का माहौल है, डेंगू फैल रहा है और बच्चों को आए दिन समस्या आ रही है, मलेरिया और डेंगू फैल रहा है और मेरे गांव में बड़ी बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी यहां पर मैं माननीय मंत्री जी के पास मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, जिसके कारण यदि प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं यहां पर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और अपनी मांग पूरी करवाऊंगा। परमिशन नहीं ली आपने? परमिशन ना ली इसका कारण यह है कि हम नेता नहीं हैं, हम गांव के हैं और ऐसे बिना परमिशन वाले 100 मैं बता दूंगा, यहां धरना प्रदर्शन रोज होते हैं, वहां कोई नहीं आता परमिशन की पूछ। मेरा मांग पूरी नहीं होगी, मैं यहां पर रोड जाम कर दूंगा और चाहे मुझे मंत्री जी जेल क्यों ना भेज दें, मुझे जेल का कतई डर नहीं है। मुझे पता है कि मंत्री जी के पास पावर है और मुझे फंसाने के लिए और जेल भिजवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अभी मैं माननीय मंत्री जी के बंगले, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बंगले पे मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।